शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिरौल के कमलपुर में 7 निश्चय के तहत हर घर जल का नल के तहत कमलपुर में 107 घर में नल से जल का सप्लाई शुरू किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इससे आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री 2009 में कमलपुर में रात्रि विश्राम कर जनता दरबार लगाया था। आप लोग कहाँ के लोग ऐसे कर रहे हैं? पहले हम लोगों को स्वागत करने दीजिए, उसके बाद चीख लीजिए। पानी तो स्वच्छ पानी के लिए ही तो निर्माण किया गया है। जो योजना है स्वच्छ पानी के लिए ही किया गया है। 162 शौचालय और घरों में शौचालय कितने यहाँ बने? शौचालय हम नहीं, यहाँ पर सारी व्यवस्था है। करीब 100 घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है और निर्माण चल रहा है। मुख्यमंत्री से पहले आए थे क्या आशा के साथ? इसके पहले 2009 में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर बहुत आशातीत प्रगति हुई। जो हमारी जर्जर रोडें थी वो पीसीसी रोड में कन्वर्ट हुई। कालीकरण आपके सामने दिख ही रहा है। मैं यही सोच रही थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का मैं अच्छे से स्वागत करूं और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं, दहेज प्रथा जो है उनको बंद करवाऊं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी है कल और दहेज लेना बंद है। हम आपके घर में नल का जल पहुँचा? अभी जो पाइप लगा है आप लोग? हाँ पहुँचा है। मैं अपने गांव से बहुत खुश हूं कि मेरे गांव कमलपुर धाम में बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार पधारते हैं। इसके लिए मैं कमलपुर में ही बड़ी आस लगाए छोटे छोटे बच्चों को बड़ी निराशा हाथ लगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंगनबाड़ी केंद्र का बिना उद्घाटन के वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी वहां मायूस दिखे। यहां सांसद का तैयार था या तो जो सरकार की जो सूचना दी गई थी उसमें इसका नाम नहीं था या फिर समय कमी की वजह से ही, लेकिन समस्या हमें जो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे आज में फूल लेकर के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री इन लोगों से नहीं मिल पाए समय के अभाव की वजह से या फिर सरकार और जो प्रशासन थे प्रशासन की सूची में या डीएसपी एसडीओ भी मौजूद थे रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन हमें लगता है कारपेट सीधे निकल गई। यहाँ की विधिवत सूचना नहीं थी लेकिन निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र सर का तैयार था, लेकिन आज इसका विधिवत उद्घाटन यहाँ नहीं हो पाया। थोड़ा सा निराश यहाँ के लोगों में होती हुई, लेकिन शायद मुख्यमंत्री मन से ही यहाँ का उद्घाटन करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र से दोबारा एक बार बहादुरपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया और दोबारा यहाँ से हम लोग को मौका दिया गया। 2 साल हुए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम इस क्षेत्र के विकास के लिए करने अभी बाकी है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़क बने हैं, पुल बने हैं, स्कूल बने हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुए हैं, लेकिन दरभंगा जिला के अंदर भी सारे विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए वो विकास हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने काम हम लोग को गौरा गौरव विधानसभा क्षेत्र में करना चाहिए उतना काम हम लोग नहीं कर पाए हैं। यह बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो 3 साल हम लोग के
पास अभी हाथ में बचे हुए हैं, उस 3 साल के अंदर मैं दरभंगा जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्र से आगे तो नहीं लेकिन बराबरी में कर करके दिखाना चाहता हूं। साथियों हमने उसके लिए तैयारी भी किए है। इस क्षेत्र को लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं और हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर मैं इस बात को आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के अंदर या 3 साल के बाद गौरा वोरा विधानसभा क्षेत्र को कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं कहेगा। इतना मैं अपने स्तर से सजाना और संवारना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय अभियान है जिसका आपने अभी झलक देखा है, कई गांव में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हम अपने नौजवान साथी से विशेष रूप से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज जिस तरह हमारे एक नौजवान साथी ने बिना दहेज का शादी किया और उन्हें सम्मानित किया गया, हम तमाम लोग देखते हैं, हम हो या यहाँ मंच पर बैठे हुए, आने वाला समय में मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने का काम किया है, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, रोड हो चुका है। तो अब तो हम लोग घर घर गांव गांव अभियान शुरू किए हैं बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध, क्योंकि ये बिहार में एक समस्या है, बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों की शादी छोटी उम्र में होने से बच्चे बौने रह जाते हैं, जो उनकी हाइट ऊंचाई होनी चाहिए नहीं हो पाती, और बाल विवाह हो जाने से जो लड़की पढ़ के आगे मैट्रिक आईए करके नौकरी पा सकती है, रोजगार पा सकती है, ऐसी लड़की शादी हो जाने के कारण उसका सारा सपना भी टूट जाता है। इसलिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा अभियान पूरे राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में किया है। इसके लिए आपके गांव में जीविका की का संगठन है, हमारे साक्षरता के लोग हैं, ये सब लोग जाएंगे गांव में, नुक्कड़ नाटक करेंगे, गीत गाएंगे, आप इनके साथ इनके कार्यक्रम में भाग लीजिए और एक वातावरण बनाइए। करीब 35-36 दिन के बाद 21 तारीख को जब हम लोग जनवरी में मानव श्रृंखला 12 बजे दिन से 12:30 बजे दिन के बीच में आधे घंटे का करेंगे, तो काफी बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग लें और जो हम लोग पिछला रिकॉर्ड बनाए हैं वो रिकॉर्ड भी टूट जाए और ये संदेश पूरे देश में जाए। बहुत बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिरौल के शिवनगर घाट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम की जानकारी देकर सरकार की उपलब्धि गिनाई और मुख्यमंत्री ने कहा कि दहेज के खिलाफ लोग गोलबंद हो और जो दहेज ले उसके घर शादी में भाग न ले। जाने के बारे में सोचेंगे और आप लोगों से एक ही अपील करेंगे, ये दहेज प्रथा इतनी बुरी चीज है, कितनी महिलाएं हिंसा के शिकार हो रही है, दहेज के कारण हिंसा, बाल विवाह इसलिए हो रहा कि गरीब परिवार में लोग सोचते हैं कि लड़की की आयु बढ़ेगी तो दहेज देना पड़ेगा, पैसा कहां से लाएंगे, और बचपन में शादी कर देने से लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो जाए। की है उसकी अगर शादी हो गई 14 साल में 15 साल में अगर उसका गर्भ धारण हुआ बाद उसको कई प्रकार की कठिनाइयां होती है। आप समझ लीजिए बड़ी संख्या में कम उम्र की लड़कियां जिनकी शादी होती है वो मौत की शिकार हो रही है और जो कम उम्र की लड़कियों अभी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, या तो बौनेपन के शिकार है, नशा रह जाता है, या फिर मंद बुद्धि है और कई प्रकार की बीमारी। तो हमने देखा बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चल रहा है। हम आप लोगों से एक ही आग्रह करेंगे, इसमें बड़ी जल्दी सफलता मिल जाएगी। कानून तो पहले से बना हुआ है लेकिन सिर्फ कानून से नहीं होगा, कानून तो है 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र के लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, दहेज प्रथा गैर कानूनी है लेकिन इसके बाद भी सब हो रहा। तो आपको एक ही काम अगर करने का आपको निर्णय लेना चाहिए और ऐसा निर्णय ले लीजिएगा तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। हम आग्रह करेंगे कि अगर गांव में कोई तिलक दहेज ले तो उसके घर के शादी में मत जाइए। आप जैसे ही उसके घर के शादी में नहीं जाइएगा जो तिलक दहेज लेता है, वो अलग थलग पड़ जाएगा और फिर सब सोचने लगेगा कि अगर हम दहेज लेंगे
मेरे घर के शादी में कोई आएगा नहीं तो हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इसी एक चीज से तत्काल दहेज प्रथा की बीमारी बंद हो जाएगी, ये आप जान लीजिए, ये मन मना लीजिए। एक चीज से जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला वो यही है, कोई हो चाहे कितना नजदीकी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर यह एक। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जनवरी को दहेज एवं बाल विवाह प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सभा स्थल से ही 109 योजनाओं के साथ 341 करोड़ राशि खर्च की गई है। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी, महेश्वर हजारी, संजय झा मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ भाजपा विधायक एवं जदयू विधायक मौजूद रहे। और एक शराबबंदी के कारण आज बिहार की चर्चा न सिर्फ देश भर में है बल्कि देश के बाहर भी है और लोग अध्ययन करने आ रहे हैं। अभी हाल में कर्नाटक सरकार ने टीम भेजा और वो अध्ययन करने आए, कई गांव में गए, हमसे भी मिलने आई वो टीम, तो बड़ा प्रसन्न दिख रहे थे कि तो बड़ी भारी चीज हुई है। दूसरे देशों से भी लोग अध्ययन करने आ रहे हैं। आप जान लीजिए, अगर शराबबंदी के साथ साथ अगर बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्ति मिल गई, आज जो हम लोग अभियान चला रहे हैं इसकी चर्चा देश भर में हो रही है, अगर इसमें आपको कामयाबी मिलती है तो पूरे देश के लोग इसका अनुकरण करेंगे, यह जान लीजिए, बिहार की प्रतिष्ठा और ऊपर जाएगी। इसलिए हम तो यही अपील करेंगे। और जैसे इस साल 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, आपको हम बधाई देते हैं, बड़ी संख्या में आप सब शामिल हुए, उसी प्रकार से अगले 21 जनवरी को भी मानव श्रृंखला बनेगी और ये मानव श्रृंखला बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बनेगी। हम आपसे आग्रह करेंगे कि 21 जनवरी को रविवार का दिन है, उस दिन सब लोग शामिल होइए मानव श्रृंखला में। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद में शनिवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर एमबी वर्मा के द्वारा फीता काटकर किया गया। वही निदेशक सोएब खान ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। वही निदेशक ने बच्चों की प्रदर्शनी को देखा और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। आवश्यक है एक ऐसा शिक्षा का वातावरण तैयार हो जिसमें बच्चे उभर कर, मुझे बहुत प्रसन्न लगता है कि हमारे गवर्नर सरकार के इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह के आपके एक पब्लिक स्कूल जैसे Question teacher, the air is coming out in such 3 dirty air is coming out. Then we are breathing that air. That air is not that air is harmful for us. Then this pollution air, petroleum gas is catch up the dirty air. Graphite.
those are the elements having same molecular, same chemical properties, but different molecular or physical properties. In this atomic structure, it is जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप किया है कि आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। आज मैं अपने पहले 20 साल पीछे जाता हूं और आज देखता हूं तो कहां से कहां ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है दुनिया को पहुंचा दिया है। और आज किसी भी देश को विकसित होने का रीजन भी है कि जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वो देश विकसित हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि बिहार में पहली बार नेत्रहीन बच्चे दरभंगा जिला में जिला क्रिकेट मैच खेलेंगे। जी हां, यह क्रिकेट मैच पोर होम में रविवार को होने जा रहा है, जिसमें कामेश्वरी प्रिया नेत्रहीन विद्यालय के 15 बच्चे भाग ले रहे हैं। वही दूसरी टीम मुजफ्फरपुर के नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे शामिल होंगे, जिसके बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड के क्रिकेट कोच के द्वारा नेत्रहीन बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य ने इस संदर्भ में पूरी जानकारी प्रदान की। देखें ये झलक। और मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। दरअसल ये सविता जी हैं और मेरे विद्यालय में इनका अपॉइंटमेंट होली मिशन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा बच्चों की जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो पढ़ाई में हो। यहाँ पे लैक ऑफ टीचर्स भी है बहुत सारी। एक्चुअली पहले तो सबसे पहले हम लोगों को ये जितने भी नियम होते हैं ब्लाइंड क्रिकेट का, ये रूल्स रेगुलेशन वगैरह हमें सबसे पहले प्लेयर को देना पड़ता है और उसके बाद वो रूल्स बताने पड़ते हैं, प्लेयर को फोकस करना पड़ता है कैसे क्या आप बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, आप बैटिंग कैसे। ये कहना चाहता हूँ सरकार का आयोजन हम लोग के बिहार में पहला बार हुआ है और अभी हम लोगों ने पहली बार मेम को कहा था। मेम हम लोग को ये कही थी कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेम कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों की पुस्तकें विभिन्न स्कूलों में पहुंचने लगी है। वहीं राजकीय मध्य विद्यालय को आरईओ के रूप में कार्य करती है, जहां से 9 विद्यालयों में पुस्तक पहुँचाई जाती है। जहां से 9 विद्यालयों में पुस्तक पहुंचाई जाती है। गौरतलब है कि शनिवार को भी कई विद्यालयों में किताबें पहुंचाई गई। पूर्वोत्तर रेलवे कठलवाड़ी पीताम्बरी बंगला, इसके बाद आपको मिस्टर टोला लक्ष्मी सागर कॉलोनी और चुना भट्टी बिजी पोखर के उस पार जो है से हॉस्पिटल है वहाँ पे हॉस्पिटल। यहाँ से क्यों ले जा रहा है? अब हमको क्या पता, हम तो रिक्शा ले रहे हैं। से पूछिए सर से, आप किसके साथ है आए हैं? हमको तो बाहर से बजा के लाए, हम तो रिक्शा ड्राइवर, हमको सवारी है। क्या नाम है? बीआरसी से यहाँ सीआरसी पर भेजा गया है। मैंने यहाँ से इसको जो इसको संकुल संसाधन है केंद्र, हाँ 10 ये सीआरसी बनाया गया जो 9 स्कूलों को प्रोवाइड करता है। हाँ। पहली बार बनाया गया? नहीं नहीं, बहुत पहले से है। आपका क्या नाम है? पूनम कुमारी। आप क्या? सीआरसी से यहाँ का है, समन्वयक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई, जिसमें 20 महाविद्यालय एवं 5 स्नातकोत्तर विभाग के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस कार्यक्रम में नाटक, सामूहिक गान, एकल गान, मिमिक्री सहित कई कार्यक्रम की प्रस्तुति छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। Thank you.
माहौल है जिसमें 24 चीजें भाग कर रही हैं हमारे विभिन्न महाविद्यालयों की और कैंपस की, और ये जानकर के खुशी हुई कि इस साल जो है पिछले साल से ज्यादा टीमें शिरकत कर रही हैं, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो माहौल इस साल बन रहा है आने वाले समय। NYCS के तत्वाधान में अंतर जिला दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के लगभग 3000 बच्चे इस दौड़ में भाग लिया। गौरतलब है कि इस दौड़ में सफल होने वाले बच्चे को जोनल दौड़ के लिए चयनित किया जाएगा। NYCS के द्वारा ये जो टैलेंट सर्च का कार्यक्रम है, आज यहाँ 4 जिले के लोग हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, और अभी तक 23-24 बच्चों ने भाग लिया है, और अभी ये कार्यक्रम है और NYCS द्वारा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये टैलेंट हंट है, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल है, जो भी बच्चे जिनके अंदर जोश और जज्बा है खेल क्षेत्र में, दौड़ क्षेत्र में, यहाँ जो ट्रायल हुआ था उसमें बच्चे स्टेट में जाके, स्टेट नहीं ये जोनल था, 4-5 राज्य का मिला के हुआ था हजारीबाग में, तो वहाँ जो है सो अपने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के बच्चे। शनिवार को आयकर चौक पर जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वही इन लोगों का कहना था कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव पर जो साजिश के तहत मुकदमा किया गया है उसे राज्य सरकार वापस ले, नहीं तो पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। वही इसका नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव उर्फ चुनमुन यादव के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। गया है। अब से कुछ दिन पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और गरीबों के नेता बना करके मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर उसको सरकार संज्ञान में लेकर और अगर वापस मुकदमा नहीं लेती है तो हमारा जन आंदोलन और भी तेज होगा। और मैं भी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने पुतला दहन किया, ऐसे सरकार का जो प्राइवेट क्लिनिक से, प्राइवेट शिक्षण संस्थान से अपना साथ गांठ रखते हैं। अब ये बताइए सिवा हॉस्पिटल पटना में है वहाँ किसी। वर्षों से दिल्ली मोड़ अवस्थित नव निर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाहरणालय से किया गया। वही कादराबाद में स्थित बस स्टैंड में वर्तमान 600 बसों की परमिट दी गई, जो 1 जनवरी वर्ष 2018 दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड चलेगी। तो वहीं बेगूसराय, समस्तीपुर आदि जगह जाने वाली बसें शोभन होते हुए एकमी घाट होकर जाएगी। देखिए यह झलक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस विकास समीक्षा यात्रा को समर्थन करने में ग्राम रक्षा दल के लोग भी शामिल हुए। जी हाँ, मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को बताते हुए सैकड़ों ग्राम रक्षा दल यह आह्वान निकाला। वही नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ग्राम रक्षा दल के लोगों ने यह फैसला लिया कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिक्षा मित्र और कई ऐसे लोगों को सुख सुविधा दे रही है, ठीक उसी तरह हम लोगों को भी सुविधा मुहैया करवाएं, जिससे हम ग्रामीण रक्षा दल के लोगों के जीवन यापन सही ढंग से चल सके। वहीं दूसरी तरफ ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हैं और अपनी बात रखेंगे, जिससे हमारी भी परिवार का भरण पोषण हो सके। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये ग्राम रक्षा दल के सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ना, हम लोग भव्य स्वागत में जो है ना, यह जो इनका जो नारा है, इनका जो मिशन है दहेज प्रथा,
बाल विवाह, स्वच्छता अभियान, यह नारे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के धगजरी पंचायत में पहुंचे। वहीं विकास समीक्षा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया था, जहां हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंध था। हेलीपैड स्थल पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री धगजरी गांव में सबसे पहले धान अधिप्राप्ति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मशीन के द्वारा धान में नमी की मात्रा की जाँच किया। तो वही वहाँ धान अधिप्राप्ति कंप्यूटरी क्रीम महिला व्यवस्था को देखा और उन्होंने धान तोलने के डिजिटल व्यवस्था की जांच की। उसके बाद भ्रमण करने के तहत सात निश्चय योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति को देखकर संतोष जताया। गौरतलब है कि उसके बाद मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उनको कार्यकर्ताओं के द्वारा मखाना का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला पेंटिंग भी भेंट की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। माननीय स्थानीय विधायक श्रीमती भावना झा जी का, श्री ऋषिकेश शर्मा साहब, जिला मंत्रीगण एवं वरिष्ठ पदों पर आसीन पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी एवं उपस्थित हमारे। और दूसरी बात, लोगों के मन में क्या रहता था भाई, हम सड़क अगर बना भी दिए गांव के बाहर तक और गांव के अंदर की गली कच्ची है तो लोगों को तकलीफ होती है, तो सबके मन में इच्छा रहती थी कि गांव के अंदर की गली का भी पक्कीकरण हो। वह भी काम किया जा रहा है, हर घर में शौचालय। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के विकास समीक्षा यात्रा के कारण 14 निजी विद्यालयों को बंद कर दिया गया। स्कूल की बसों को सभा स्थल पर लोगों को ले जाने के लिए उपयोग में लाया गया। इस वजह से जहां बच्चे का पढ़ाई नुकसान तो हुआ ही और स्कूल प्रशासन को भी काफी परेशानी हुई। साथ ही साथ 14 स्कूलों की 70 से अधिक बसें सरकारी कार्यक्रम के उपयोग में लाई गई। बताते चले कि मधुबनी जिले में होने वाली विकास समीक्षा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई, लेकिन निजी स्कूल को बंद करके बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। देखिए ये झलक। एक्चुअली स्कूल बंद करने का जो आदेश हम लोगों को सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला, डीओ साहब की तरफ से एक पत्र आया और डीटीओ साहब की तरफ से भी कहा गया कि सभी बसों को देने के लिए, तो इसलिए जब हमारे पास बस नहीं रहा ये जो है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और इस विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो है हमने ये व्यवस्था की गई है। और क्योंकि सीएम साहब जब भी आते हैं तो यहाँ पे जो उनका जो अभी अभियान चल रहा है, बाल विवाह निर्मूलन हो या दहेज मुक्ति का जो भी है, उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसमें बच्चों को भी जो हम एंगेज कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना यहाँ पे माहौल बन गया है, कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और जो यहाँ की जनता है बेनीपट्टी अनुमंडल। जी मैडम, कहाँ जा रही है आप? ये प्राइवेट गाड़ी है, निजी स्कूल का गाड़ी है, इससे कैसे जा रहे हैं? स्कूल की गाड़ी है ये, डीएम साहब है ना, वो अवेलेबल करवाए, डीएम अवेलेबल करवाए हैं। सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं, तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मास न्यूज़, धन्यवाद।